हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकिता रेसिपी। मैं अंकिता सिंह आज आप सब लोगों के लिए मसाला पीनट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर पे हम एकदम हल्दीराम जैसे पीनट्स बना सकते हैं, एकदम मसालेदार, क्रंची, चटपटा एंड टेस्टी। और यकीन मानिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजिली बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए। 1 कप कच्ची मूंगफली, 1/4 कप बेसन, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ये ऑप्शनल है। मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, सफेद नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसमें स्ट्रेनर में मूंगफली डाल देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको नम कर लेंगे, जिससे कि जब हम इस पे मसालों का कोट करें तो वो मूंगफली पे अच्छी तरीके से कोट हो जाए। इस प्रोसेस को हमें ज्यादा देर नहीं करना है, सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए करना है, जिससे कि मूंगफली में नमी हो जाए और मसाले इस पे अच्छी तरीके से कोट हो जाए। ये मूंगफली में नमी हो गई है, अब हम इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। सबसे पहले डालेंगे बेसन, यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, काला नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा, 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल के आटा की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा सफेद नमक, आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चावल का आटा स्किप ना करें, क्योंकि उससे ही इसका क्रंची टेस्ट आता है। ये मार्केट में बहुत इजिली मिल जाता है। ये देखिए, मसाले अच्छी तरीके से कोट हो गए और नीचे हल्का मसाला बचा है, तो इस पे हम थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे मार के उसे भी अच्छी तरीके से मूंगफली के ऊपर कोट कर लेंगे। हमें इसके ऊपर सिर्फ हल्की पानी के बूंदे डालनी है, पूरा प्रॉपर पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, अब हम इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे। इसके ऊपर 1 चम्मच और चावल का आटा डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे आप हाथ से ही मिक्स करें, स्पून से इसकी अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी। ये हमारा मसाला पीनट तलने के लिए तैयार है। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ऑयल में डालेंगे। इसे हम अलग अलग करके डालेंगे, जिससे कि ये आपस में चिपके ना। अगर आपका मूंगफली आपस में बहुत चिपक गया है तो उसे आप पहले ही थोड़ा अलग अलग कर लें और थोड़ा उसमें चावल का आटा और मिला लें तो वो अलग अलग हो जाएगा। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। आपको लगेगा, यार हम इतनी झंझट क्यों करें, सारे इंग्रेडिएंट का घोल बना के हम उसमें भी तो मूंगफली डाल सकते हैं। बट अगर आप वैसे करेंगे तो मूंगफली पे उतने अच्छे तरीके से कोटिंग नहीं हो पाएगी। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करें तो आपका मसाला पीनट बहुत ही अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं, ये हमारा मसाला पीनट एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे किसी प्लेट पे निकाल लेंगे। गैस को हम धीमा कर देंगे, जिससे कि ये जले ना। ये हमने कुछ मसाला पीनट तल के रेडी कर लिया है। इसे किसी किचन टॉवल पे निकालेंगे, जिससे कि एक्सेस ऑयल किचन टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। अब हम इस पे गरम गरम पे थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। चाट मसाला को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला पीनट बन के रेडी है और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। है ना इसकी ये रेसिपी बहुत ही आसान। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई इजी एंड क्विक रेसिपी के साथ।